हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट क्लास टेंथ का जो यूनिट टू है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा, इसका ये पार्ट थ्री है हिंदी एक्सप्लेनेशन का। इसके पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू देखा था। यदि आपको नहीं मिला तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पार्ट थर्ड जो है फाइनल पार्ट है कि आगे क्या होता है। अब तक फर्स्ट पार्ट में हमने इनॉग्रेशन के बारे में, सेकंड पार्ट में हमने जो साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट सिस्टम था उसके बारे में भी जाना था। देखते हैं थर्ड पार्ट को। फर्स्ट टू पार्ट पढ़ने के साथ में हमने इसके जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन थे उनको भी देखा था और जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला गया था। देखते हैं फाइनल पार्ट को। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी एंड चिल्ड्रन और अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और जो दूसरा कर्तव्य होता है वो उसके स्वयं के लोगों के लिए होता है। हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के लिए, हिज कंट्री अपने देश के लिए। ये दो कर्तव्य होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के। पहला कर्तव्य जो है अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा जो होता है वो अपने लोगों, समुदाय और देश के प्रति होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक नागरिक और जो मानवीय सोसाइटी समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटी। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या है, इज एबल टू फुलफिल, पूरा करने में सक्षम है दोज ऑब्लिगेशन, इन कर्तव्यों को अपनी अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस, अपनी इच्छाओं और अपनी योग्यताओं से इन ऑब्लिगेशंस को, इन दायित्वों को निभाने में सक्षम है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग असंभव है किसी आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे आदमी के लिए एंड कलर, और मेरे जैसे रंग के लोगों के लिए, कि वह इस प्रकार की जो दोनों ऑब्लिगेशंस हैं, दोनों कर्तव्य हैं, उनको पूरा कर सके। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में एक मैन ऑफ मैन, एक रंग का आदमी कहा जाए, जो काले रंग का आदमी, हु अटेम्प्ट, जो ये प्रयास करे टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव के जैसे रहने का अगर प्रयास भी करे तो उसे क्या, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंड दिया जाता था और अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अ मैन हु रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, वाज इनविटेबली राइट फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव इन लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, सीक्रेसी एंड रिवलिट। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को, अपने लोगों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करे तो उसे इनविटेबली, अनिवार्य रूप से, उसके परिवार से, उसके घर से ज़बरदस्ती अलग कर एक अकेला जीवन जीने के लिए दूर कर दिया जाता था। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवलेशन, और इस प्रकार जो एक गोपनीयता और जो विद्रोह का अस्त्र था वो जल लेता। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम
फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, कि आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, मैं बच जाऊंगा, रुक जाऊंगा, क्या फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एक लड़के, एक भाई, अ फादर, एक पिता, एंड अ हस्बैंड, एक पति के रूप में जो मेरे कर्तव्य है उनको पूरा करने से भी मैं वंचित हो जाऊँगा, वंचित हो जाता। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, और मैं स्वतंत्रता की जो भूख थी उसके साथ में नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं स्वतंत्र ही जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जिसे मैं जान सकता था या जो मैं जानता था, मैं हर तरह से स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की जो झोपड़ी थी उसके पास के खेतों तक भागने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गाँव में जो बहने वाली जो नहर थी उसमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मील्स मिल्स अंडर द स्टार, तारों के नीचे अपने भोजन को भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले जो बैलों की चौड़ी पीठ थी उसकी सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर्स एंड abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or god, जब तक मैंने अपने पिता को माना और अपने जाति के बनाए हुए जो रीति रिवाज थे उनका पालन किया। I was not troubled, तो मुझे किसी भी जो मानवीय या ईश्वर के बनाए हुए नियमों से परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood, और ये तभी शुरू हुआ जब मैंने एक लड़के के रूप में जीवन शुरू किया। फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि जो स्वतंत्रता थी वो मात्र एक भ्रम थी। ये कब शुरू हुआ? जब मैंने एक लड़के के रूप में जीवन शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो स्वतंत्रता थी वो मात्र एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, और जब मैंने एक युवा के रूप में ये पाया कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी जो स्वतंत्रता थी वो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी, हैड बीन टेकन, है ना, ली जा चुकी थी। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तो मुझे इसकी भूख लगी, किसकी, स्वतंत्रता की। एट फर्स्ट, शुरू में एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांसटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात के समय मैं बाहर रहने की जो एक अस्थाई स्वतंत्रता थी उसको चाहता था। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, मैं वह जो चाहूँ उसे पढ़ने की और जहाँ मुझे आनंद आए वहाँ जाने की स्वतंत्रता चाहता था। आई चूज लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और मैंने इसे बाद में एक युवा के रूप में या जोहान्सबर्ग में चुना। आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और अपनी जो शक्ति थी, अपनी जो क्षमताएं थी ऑफ अर्निंग माई कीप्स, की खुद को खुद के लिए कमाने की, ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार रखने की, जो स्वतंत्रता थी और एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने की जो एक आधार था उसकी मैंने इच्छा व्यक्त की। क्यों? क्योंकि द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ, क्योंकि जो स्वतंत्रता है वो किसी को भी जो लॉफुल लाइफ है नियमपूर्वक जीवन जीने से नहीं रोकती। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि यह न केवल मेरी, या यूँ कहा जाए कि धीरे धीरे मैंने देखा कि न केवल मैं ही फ्री नहीं था, यानी कि मैं फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी। दैट वॉज
कोटेल जिसे छीना गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, ये हर किसी की स्वतंत्रता थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसा दिखता था। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जब तक मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और तब तक या जब तक मैंने इस नेशनल कांग्रेस को या जैसे ही मैंने जब मैंने नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो मेरी ये स्वतंत्रता की जो भूख थी बिकम द ग्रेटेस्ट हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तो यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की एक महान भूख बन गई। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए स्वतंत्रता की यह एक भावना थी, टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो एक गरिमा और आत्मसम्मान के साथ में जीवन जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इस बात ने, इस इच्छा ने मेरे जीवन को चित्रित किया। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इंटू बोल्ड वन, और जिसने एक डरने वाले युवक को एक निडर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। द ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कि एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी, एक नियमों को मानने वाले वकील को एक अपराधी बना दिया। द टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक परिवार प्रेमी पति को एक बिना घर का व्यक्ति बना दिया। That forced a life loving man to live like a monk, और जीवन से प्रेम करने वाले आदमी को एक साधु के रूप में जीने के लिए मजबूर कर दिया। उसने कहा कि यह वही इच्छा थी कि मेरे या मेरे देश के जो लोग थे वो गरिमा और आत्मसम्मान से जिए, इसी इच्छा ने मेरे जीवन को क्या कर दिया, जीवंत किया, और इस बात ने या इस इच्छा ने एक डरने वाले युवक को निडर बना दिया, एक नियमों को मानने वाले, कानून को मानने वाले वकील को एक अपराधी बना दिया, इसने एक परिवार प्रेमी पति को एक बिना घर का आदमी बना दिया, इसने एक जीवन को प्यार करने वाले आदमी को एक साधु के रूप में जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन, उसने कहा कि मैं अगले आदमी के जैसे सद्गुणी और आत्मबलिदानी नहीं था, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं स्वयं भी गरीबी और जो एक जो सीमित स्वतंत्रताएं थी उनका आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग जो हैं वो फ्री नहीं हैं, तो मैं उन स्वतंत्रताओं का अनुभव नहीं ले सकता था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो स्वतंत्रता है वो कैसी है, इंडिविजिबल, इंडिविजिबल एक अविभाज्य है, उसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, और मेरे लोगों की जो जंजीरें थी, बट द चेन्स ऑफ ऑल देम, उन सभी की जो जंजीरें थी, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल बट द चेन्स ऑन मी, और उन लोगों पर या मेरे लोगों के ऊपर जो ये जंजीरें थी, ये जो बंधन थे, वो मेरे ऊपर भी बंधन थे या वो मेरे ही बंधन थे। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एट द ऑपरेशन, मैं जानता था कि जो उत्पीड़क है, पीड़ा देने वाला है, उसे भी एक उत्पीड़क के जैसे, यानी कि जो पीड़ा सहने वाला है, उसके समान ही स्वतंत्र किया जाना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम, अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह नफरत का गुलाम है। ही इज लेफ्ट बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस्टिस एंड नैरो माइंडनेस, और वह शायद पूर्व अवधारणा और छोटी सोच के पीछे या संकुचित सोच के पीछे, पीछे की सलाखों के पीछे कैद है, या यूँ कहें कि वह पूर्व अवधारणा और जो संकुचित सोच है उनकी सलाखों के पीछे लॉक्ड कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच में या वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ,
इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज, क्योंकि आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मैं बिल्कुल तब तक स्वतंत्र नहीं हूँ जब तक कि मेरी स्वतंत्रता ली गई है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेशर, जो उत्पीड़क है और जो उत्पीड़ित है, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, वो दोनों ही मानवता को लूट रहे हैं, या उन्होंने दोनों ने मानवता को लूट लिया है। तो ये था हमारा चैप्टर कि कैसे जो नेल्सन मंडेला है वे बताते हैं कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो 3 शताब्दियों से चले आ रहे 300 साल से चले आ रहे अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंका, और वहाँ पे जो चलने वाली रंग भेद की नीति थी, जो सिस्टम था, उसे उखाड़ कर एक नए प्रजातंत्रीय युग का शुभारंभ किया, और पहले अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का हक है, यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो स्वयं भी नफरतों के गुलाम है और वो स्वयं भी फ्री नहीं है। तो ये था हमारा लेसन, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।